तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड पिन मील की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी आज की रेसिपी हमारी तैयार होगी, रमादान स्पेशल की। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, आप इसको इफ्तारी में ट्राई करें। और मेरी वीडियो को, आज की वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रेड पिन मील बनाने के। अंदर मैंने ब्रेड लिया है, आठ है अपनी मर्जी की, जितने आपने बनाने हैं अपनी ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेटर कैबेज ली है हाफ, यहाँ पर मैंने तीन आलू लिए हैं बॉयल, और यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून, यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है टू टेस्ट, आप अपनी मर्जी का नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जल फरेजी मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर लिया है, इससे बहुत ही टेस्टी टेस्ट आएगा हमारे ब्रेड पिन मील में। तो ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हम चिकन ऐड नहीं कर रहे, तो चिकन पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो रहने। और यहाँ पर मैंने ली है हाफ कैबेज और हाफ कैप्सिकम, चॉप की है मैंने इसको, तो ब्रीक ब्रीक मैंने इसको चॉप किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो व्यूवर्स, फर्स्ट स्टेप हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आलुओं को मैश कर लिया है, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ यहाँ पर जल फ्रेजी मसाला। यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ कैबेज, यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ब्लैक पेपर। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ये मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करने लगी हूँ, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैं अब सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ। और अब हम कहते हैं इन सब चीज़ों को अपने हैंड से मिक्स कर लेते हैं। हाथ मैंने धो लिए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए हम जो भी काम करने लगे हैं उससे पहले हमें हाथ धोने ज़रूरी है। तो अब मैंने हाथ वॉश कर लिया है, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ हाथों की मदद से। अफ्तारी में आप इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में चिकन ज़रूर ऐड हो, वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बना देती है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मेरा मटेरियल अच्छे से रेडी हो चुका है, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड, एक पीस लिया हमने, और इसको हमने ग्लास से ऐसे ग्लास को दरमियान में रखना है, और इसको प्रेस करके हमने इसको कट कर लेना है रोल पीस में। तो अगर आपके पास कटर है आप उससे कर लें, और मेरे पास इस टाइम स्टील का ग्लास है, मैं उसको ही यूज़ करी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए अलग अलग टूल्स ज़रूरी नहीं है लें, हम ग्लास से ही काम चला रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। तो अब हमें इसको ऐसे ज़ोर से प्रेस करना है, और ये हमारा एक गोल पीस। अब हम बाकी को भी ऐसे करेंगे। तो व्यूअर्स, दूसरा पीस भी मैंने ले लिया है, मैं भी इसको ऐसे प्रेस करूँगी ऊपर से, और ये देखें हमारा ये गोल पीस रेडी है। अब बाकी सब ब्रेड पीस के मैं ऐसे ही करूँगी, तो चले करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपना मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो ब्रेड के रोल पकड़ लिए हैं, एक ब्रेड को हम रखेंगे। यहाँ पर हम ब्रश ले लेते हैं, और ये हमने वाटर लिया थोड़ा सा ब्रश पर, और हमने इस ब्रेड के एक पीस को हल्का सा वाटर से वेट कर लिया, ज़्यादा नहीं करना। तो हम मटेरियल उठाएंगे और इसके दरमियान में रख देंगे। अब हम इसको साइड पर करते हैं, और दूसरे पीस को भी हम पानी से वेट कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम ऐसे रख देते हैं, और इसको हल्का सा हम प्रेस कर देते हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, और बाकी सब भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो व्यूअर्स, दूसरे को भी हम ऐसे करते हैं, पहले हम पानी से वेट कर लेते हैं दोनों को।
उसके दरमियान में मटेरियल रखते हैं। और ये दूसरा पीस हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसको हम प्रेस कर देते हैं। तीसरा भी हम ऐसे ही करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, तमाम ब्रेड पिन भी हमारे रेडी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप हमारा कोटिंग का स्टेप है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोटिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 4 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है 1 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 2 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ओरिगेनो भी लिया है हसबे ज़रूरत। तो व्यूअर्स अब हम इसके अंदर सबसे पहले बेसन ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लोर, जीरा पाउडर। और अब हम साथ ही इसके अंदर ओरिगेनो ऐड कर देते हैं। 2 पिंच आपने ओरिगेनो लेना है सिर्फ टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसको मिक्स करके साथ साथ इसके अंदर पानी डालते जाएंगे ताकि ये इसका अच्छा से थिन सा बैटर बन जाए, तो ताकि इसके अंदर से लम्स भी हमने ख़त्म करने हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। तो व्यूअर्स आप देखें कि इसकी थिकनेस कैसी है, बहुत ही अच्छा सा ये स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी है। आपने इसकी इतनी थिकनेस रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमने इस पिन ब्रेड व्हील को कहते हैं फ्राई करना है। तो व्यूअर्स अब हमने ये एक ब्रेड पिन व्हील पकड़ा और इसको इस तरह हमने इस बैटर में डिप किया और हमने इसको एयर फ्राई कढ़ाई में डाल दिया। तो व्यूअर्स से देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब बाकी सब भी हम इस तरह ही फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स दूसरों को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हमने डाल लिया है, अब बाकी सब भी हम ऐसे ही करेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर निकला है। व्यूवर्स देखें प्रिंट ब्रेड व्हील हमारे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े के रेडी है। इतना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया है। आप आज की वीडियो को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें और फॉलो माई इंस्टाग्राम एम हमजा नासिर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।